मॉर्निंग किड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और हम यहाँ से जो वीडियो भेज रहे हैं वो अच्छी तरह से देख रहे हो और उसको लाइक करना मत भूलना किड्स, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं आज आपको साइंस सिखाने वाली हूँ, स्टैंडर्ड 8 लेसन नंबर 1 साइंस पेज नंबर 2। ओके बच्चों, पेज नंबर 2 पे आज हम सीखने वाले हैं बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। मीन्स उसका मीनिंग क्या होता है, हम क्या सीखेंगे कि खेती करने के लिए जो बेसिक चीज़ें ज़रूरी है वो आज हम इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। द वेरियस एक्टिविटीज दैट ए फार्मर परफॉर्म्स टू प्रोड्यूस ए गुड क्रॉप आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। फार्मर मीन्स जो खेडूत होता है, वो सारी जो एक्टिविटी करता है, वो सारा जो काम करता है खेतर में, और जो वो खेतर में वो काम करके सब कुछ जो क्रॉप उगाता है उसे हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। द बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर लिस्टेड बिलो। जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, खेती करने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो यहाँ पे हमें पॉइंट में दी गई है। हम एक एक पॉइंट अभी देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल मीन्स जमीन। जमीन को पहले, खेती से पहले उसे प्रिपेयर करना पड़ता है। वो जमीन होती है वो कड़क होती है, तो उसे खेतर को खेड़ के उसे सॉफ्ट बनाना पड़ता है बीज डालने से पहले। सोइंग ऑफ सीड्स, जब उसे हम सॉफ्ट बनाते हैं जमीन को खेती करने के लिए, तो जब वो पूरी सॉफ्ट बन के उसके गट्ठे हो जाते हैं, उस गट्ठे जो उसमें हम सीड्स डालते हैं, बीज उस गट्ठे के अंदर हम डालते हैं जो जमीन सॉफ्ट हो गई होती है। मैन्योरिंग, फिर उसका ध्यान रखते हैं, उसमें रासायनिक खातर और एवरीथिंग जो होता है उसका हम छटकाव करते हैं, दवा का छटकाव करते हैं जिससे कोई क्रॉप को नुकसान ना हो, उसे हम मैन्योरिंग बोलते हैं। उसकी देखभाल करना, जैसे आपके माता पिता बच्चों आपका ध्यान रखते हैं, देखभाल करते हैं, तो उसको भी हम मैन्योरिंग बोल सकते हैं। वैसे ही फार्मर होते हैं, वो प्लांट्स का और क्रॉप्स का देखभाल करते हैं कि उसे कुछ नुकसान ना हो, कोई भी प्लांट उसका खराब ना हो जाए, उसे बोलते हैं हम मैन्योरिंग। इरिगेशन, इरिगेशन मींस जो होता है खेती के लिए जो हम उसमें पाक डालते हैं उसे इरिगेशन। बीज तो पहले डालना होता है, फिर उसके लिए दवा का छटकाव करना होता है, फिर इरिगेशन मींस उसको फिर से हार्वेस्ट करना पड़ता है, फिर से उसको खातर डाल के उसमें फर्टिलिटी लानी पड़ती है, उसे हम बोलते हैं इरिगेशन। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, प्रोटेक्शन मींस उसका जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो इंसेक्ट्स एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को ख़राब नहीं कर दे, इसीलिए खेडूत जो फार्मर होते हैं वो उसका भी ध्यान रखते हैं। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मीन्स लास्ट में जब बीज निकालते हैं खेती करके उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। जो हमारे जैसे वीट होते हैं, गेहूं जो पहले डालते हैं जमीन के अंदर, उसका क्रॉप होता है, बाद में उसमें से फल बीज निकलते हैं जिसके लिए हमें, जिसमें से लास्ट में क्या निकलता है, वीट जो हम यूज़ में लेते हैं, और लास्ट में होता है उसका स्टोरेज। उसे स्टोर कहाँ पे करेंगे, क्योंकि खेती की है तो बहुत सारा क्रॉप, जो फार्मर होता है उसने बहुत सारा क्रॉप उगाया है तो उसका स्टोरेज भी करना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो ये पॉइंट मैंने आपको ऐसे समझाया, अब हम इसका डीप में सीखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, द फर्स्ट स्टेप फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप इज टू प्रिपेयर द सॉइल। पहले अगर आपको खेती करनी है तो सबसे पहले आपको सॉइल, जमीन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये देखो, ये फार्मर है ना, वो अपनी बेल को लेके खेती के लिए जमीन को पूरी प्रिपेयर कर रहा है। अभी तो न्यू सिस्टम आ गई है, तो ऐसे ट्रैक्टर और सब कुछ आ गया है, तो उसकी मदद से भी फार्मर होते हैं वो प्लाविंग करते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व्स प्लविंग एंड लेवलिंग। प्लविंग मीन्स उसको खेड़ना और लेवलिंग मीन्स को उसको एक लेवल करना। द सॉइल नीड्स टू बी लूजन सो दैट द रूट्स कैन पेनेट्रेट डीप इन टू द सॉइल्स एंड कैन ब्रीथ इजिली। मैंने आपको जैसे बोला कि सॉइल जो होती है वो हार्ड होती है, कड़क जमीन होती है, तो उसको लूजन मीन्स सॉफ्ट करना पड़ता है खेती से पहले, और उसके अंदर जब रूट्स हम बीज डालते हैं तो जो वो सॉफ्ट होती है तो उसके बीज के रूट्स बाहर निकल आते हैं
और वो ब्रीथ इजीली, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे प्लांट्स भी लिविंग एंड लिविंग थिंग है, तो उसे भी ब्रीथ करना होता है, तो वो इजीली ब्रीथ कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लाविंग। जो हम कड़क जमीन होती है उसमें से उसको सॉफ्ट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्लाविंग और टीलिंग, और उसको दूसरा नाम है टीलिंग, मींस उसको खेड़ना। प्लाव, होय एंड कल्टीवेटर, ड्रेवन बार ट्रैक्टर्स आर यूज फॉर प्लाविंग, इट्स एडवांटेज आर। जो ये तीन चीज़ें हम करते हैं, खेती पहले खेत खेड़ते हैं, फिर उसका कल्टीवेशन करते हैं मीन्स उसका ध्यान रखते हैं, वो जो होता है ट्रैक्टर के द्वारा हम करते हैं अभी, और उसके एडवांटेजेस क्या है। इट हेल्प्स टू ब्रिंग द न्यूट्रिशन रिच सॉइल फ्रॉम द लोअर लेयर्स टू द टॉप, मेकिंग इट अवेलेबल टू प्लांट्स। वो क्या करता है, जब हम प्लाविंग करते हैं मीन्स खेड़ते हैं जमीन को खेती के लिए, तो जो जमीन होती है वो न्यूट्रिशियंट मीन्स जो पूरे हमारे न्यूट्रिशियंट हमारे बॉडी को चाहिए होते क्रॉप के द्वारा जो हमें मिलते हैं, वो न्यूट्रिशियंट से रिच हो जाती है, मीन्स उसमें पूरा भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशियन होता है और सारे लेयर तक उसमें वो न्यूट्रिशियन पहुंच जाता है, मेकिंग इट अवेलेबल टू प्लांट, और वो प्लांट को मिलता है जो न्यूट्रिशियंट होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिटेन मॉइस्चर फॉर ए लॉन्गर पीरियड। जो हम खेती के लिए जो जमीन होती है उसको जब प्लाविंग करते हैं मीन्स खेड़ते हैं, तो उसका मॉइस्चर बना रहता है, मॉइस्चर मीन्स भेज, जमीन के अंदर जो भेज होता है वो लॉन्गर पीरियड तक रहता है। ओके, आफ्टर प्लाविंग द सॉइल सम बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स रिमेन इन द सॉइल विच मे कॉज डिफिकल्टी इन सोइंग सीड्स। जब हम खेड़ते हैं तो जो जमीन के बड़े बड़े हिस्से होते हैं, खेतर खेड़ते हैं तो उसका जो बड़ा हिस्सा होता है जिसे हम क्रम्स भी बोल सकते हैं, वो सॉइल में अगर रह जाता है हमें उसे बाहर निकालना पड़ता है। अगर वो अंदर जमीन के अंदर रह जाता है तो बीज को उगने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। टू बैक द पीसेस ऑफ सॉइल लेवलिंग ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड। हमने प्लाविंग तो कर लिया पर ये पीस अगर हम नहीं निकालेंगे, बड़े बड़े जो पीस होंगे, तो बीज को उगने में तकलीफ होगी, तो उसके लिए हमें लेवलिंग भी करना पड़ता है। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ ए वुडन और आयरन प्लैंक। वो किसकी मदद से हम करते हैं, आयरन का या वुडन का या लोखंड का या लकड़ी का, एक प्लैंक होता है वो ऐसे शेप का होता है बच्चों, इसका ऐसा शेप होता है, यहाँ से ये डंडा होता है लकड़ी का और यहाँ से ये जो पूरा प्लैंक होता है वो लोखंड का होता है, उसकी मदद से सारी लेवल करते हैं जमीन को। ओके, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स मीन्स हमें उसके लिए क्या इम्प्लीमेंट चाहिए, क्या साधन की जरूरत होगी। फार्मर्स नीड सम स्पेशल टूल्स टू ग्रो क्रॉप्स। फार्मर को बहुत सारे टूल्स चाहिए, साधन चाहिए क्रॉप उगाने के लिए। द टूल्स यूज बाई फार्मर्स ड्यूरिंग फार्मिंग आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। जो साधन फार्मर होता है वो यूज करता है उसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। सम ऑफ द इम्प्लीमेंट्स यूज फॉर प्लाविंग आर एज फॉलोज। प्लाविंग मीन्स खेती, खेतर को खेड़ने के लिए जो साधन चाहिए वो नीचे है। प्लाव, इट इज मेड ऑफ वुड एंड आयरन। जो एक प्लव जैसा साधन होता है, ऐसा होता है वो वुड का, और इसकी जो स्टिक होती है वो आयरन की बनी होती है। द स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रैप इज कॉल्ड प्लाव सर। जो उसका आयरन का स्ट्रैप होता है उसे हम बोलते हैं प्लाव सर। एंड द लॉन्ग वुडन पार्ट ऑफ द प्लव इज कॉल्ड प्लव शाफ्ट। उसका जो वुडन पार्ट है लंबा सा उसे हम बोलते हैं प्लाव शाफ्ट। इन अर्लियर टाइम्स प्लाउस वर ड्राइवन बाय एनिमल्स लाइक बुल्स एंड हॉर्सेस। पहले जो ये साधन नहीं थे हमारे पास, तब फार्मर क्या करते थे कि बुल्स मीन्स जो बड़द होते थे और हॉर्सेस मीन्स घोड़ा जो होता था उसके पैर के द्वारा खेतर को खेड़ते थे। बट नाउडेज प्लाविंग इज डन बाय कल्टीवेटर्स ड्रिवन बाय ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर में ये पूरा डंडा जो होता है वुडन स्टिक जो होती है वो फिट हो जाती है, और इसके बाद इसके द्वारा अभी के जो खेडूत होते हैं वो प्लाविंग करते हैं। फिर आता है होय। होय कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन विथ ए ब्रॉड स्ट्रॉन्ग आयरन प्लेट अटैच टू वन एंड। वो जो होय नाम का जो साधन होता है वो वुड और आयरन का लंबा रॉड होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक लंबा रोड जैसा है,
वो वुड और आयरन का ही बना होता है विथ ए ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग, ये जो होता है उसकी यहाँ पे एक ग्रिप होती है और यहाँ पकड़ने के लिए एक हैंडल होता है और इसे रोड बोलते हैं और यहाँ पे एक वुडन की प्लेट होती है। Hoe consists of a long rod of wood or iron with a broad strong iron plate attached to one end. जो आयन की प्लेट होती है वो एक साइड पे होती है। The bent plate acts like a blade. जो ये पूरी बेंट है मींस पूरी मुड़ी हुई एक होती है प्लेट, वो ब्लेड जैसा काम करती है एंड इज यूजफुल फॉर लूजनिंग द सॉइल एंड रिमूविंग वीड्स। वो सॉइल को लूज करने के लिए और उसमें से बड़े बड़े हिस्से निकालने के लिए वो जरूरी है। कल्टीवेटर, ए कल्टीवेटर इज अ टाइप ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट यूज फॉर सेकेंडरी टीलेज। टीलेज मीन्स खेतर को खेड़ना। तो एक इम्प्लीमेंट है, एक साधन है। आपने ऐसा साधन कई ट्रैक्टर में लगा हुआ देखा होगा। अगर आपने ट्रैक्टर देखे पीछे एक लंबा सा ये पूरा पाइप जैसा लगा हुआ होता है और उसमें एक ऐसे बेंट हुए हुए जो ये स्टिक बोलते हैं वो लोहे की होती है। इट्स टीथ ऑल्सो कॉल सेंग स्पर्स द सॉइल एज दे आर ड्रैग थ्रू इट। इसके जो टीथ जैसे जैसे हमारे टीथ होते हैं उसके सेंग्स होते हैं जिससे लोखंड के पाइप होते हैं वैसे इसे फिट किए हुए होते हैं, वो पूरे जमीन को ड्रैग करता है मीन्स खेड़ता है। कल्टीवेटर्स आर ड्रेवन विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। इसे ट्रैक्टर में फिट किया जाता है। दे स्टीर एंड पल्वेस द सॉइल। दे वो सॉइल को पूरा कर्व करते हैं और पूरा लेवल करते हैं आइदर बिफोर प्लांटिंग और आफ्टर द क्रॉप हैज स्टार्टेड ग्रोइंग। प्लांटिंग से पहले और क्रॉप जब उगना स्टार्ट हो जाते हैं तब हम कल्टीवेटर की मदद से ये लेवल करते हैं। सोइंग ऑफ सीड्स, ये हमारी दूसरी एक्टिविटी है। जब हम प्रिपरेशन करेंगे तब ये सोइंग, उसके बाद क्या करते हैं फार्मर, सोइंग ऑफ सीड। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। जो सॉइल जमीन के अंदर जो हम बीज डालते हैं उसे हम बोलते हैं सोइंग। टू गेट ए क्रॉप गुड क्रॉप यील्ड इट इज इम्पोर्टेंट टू सिलेक्ट गुड क्वांटिटी क्वालिटी सीड्स। जब हमें अच्छा पाक अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें बीज भी उसमें अच्छे डालने होंगे। विच आर डाइसेस रेसिस्टेंट एंड फ्री ऑफ इन्फेक्शन, डिजीज रेसिस्टेंट एंड फ्री ऑफ इन्फेक्शन। जो बीज होता है वो सारे इन्फेक्शन से हमें उसको दूर रखना है एंड सो देम प्रॉपरली। और बीज को पूरी अच्छी तरीके से उसमें हमें बीज को उगाना पड़ता है। सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स कैन बी डन बाय सॉकिंग सीड्स इन वाटर। पहले क्या करते हैं, बीज को डालने से पहले उसको पानी में भिगो के रखते हैं। सॉकिंग ऑफ सीड्स इन वाटर बिफोर सोइंग ऑल्सो हेल्प्स इन सॉफ्टनिंग द हार्ड आउटर कोट ऑफ सीड्स। जो हम उसे पानी में अगर भिगा के रखते हैं तो क्या होता है कि बीज होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और उसका हार्ड जो आउटर कवर होता है उसका बाहर का भाग जो हार्ड होता है वो सॉफ्ट बन जाता है एंड हेल्प्स इन अर्ली जर्मिनेशन ऑफ सीड्स और उसको जल्दी उगना शुरू हो जाता है। ओके बच्चों, ये एक्टिविटी 1 अभी हमें नहीं करनी है। आई होप आपके आज के वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। फार्मर शुड कीप फॉलोइंग थिंग्स इन माइंड बाय सोइंग सीड्स। फार्मर को क्या ध्यान में रखना चाहिए जब बीज उगाना है, तब ये हम इस पॉइंट के बारे में सीखेंगे। सीड्स शुड बी सोन इन द प्रॉपर सीजन एंड इन मॉइस्ट सॉइल। जो बीज होते हैं वो प्रॉपर सीजन में, जिस बीज की जो सीजन होती है उसी सीजन में उसे उगाना चाहिए और सॉइल मीन्स जमीन होती है वो पूरी भेज वाली होनी चाहिए। सीड शुड बी सोन एट द करेक्ट डेप्थ विच वेराइज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। दो बीज के बीच में जो अंतर होता है वो बराबर रखना चाहिए। अगर दो बीज पास पास में हम उगाएंगे तो दोनों बीज उग नहीं पाएंगे। इफ सीड्स आर सोन टू डीप इन द सॉइल देन देयर रूट्स विल नॉट बी एबल टू रिस्पायर।
एंड इफ सोन क्लोज द सरफेस मे बी इवन बाई बर्ड्स एंड इंसेक्ट। अगर बहुत अंदर जमीन में हम बीज डालेंगे तो उसके जो रूट्स, उसके जो मूड़ होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो बहुत अंदर नहीं डालना चाहिए उसको, थोड़ा ही अंदर उसे जमीन के अंदर डालना चाहिए। और जो अगर हम उसे बहुत अंदर डालते हैं तो जो बर्ड्स और इंसेक्ट होते हैं वो पूरी जमीन को खराब कर देते हैं। सीड शुड बी सोन एट प्रॉपर स्पेसिंग टू प्रिवेंट ओवरवेलमिंग ऑफ प्लांट्स। प्रॉपर स्पेस रखनी चाहिए दोनों बीज के बीच में। दिस इनेबल्स ईच प्लांट टू गेट इनफ वाटर, न्यूट्रिशन एंड सनलाइट। अगर पूरी जगह होगी तो दोनों प्लांट को पूरी सनलाइट और वाटर होगा, वो मिलेगा। ओके, तो आज का आपका होमवर्क है बच्चों, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स जो हमने पहले सीखा वो आपको 2 टाइम आपकी बुक में लिखना है। ओके, आज के वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप स्कूल के नंबर पर फोन या मैसेज करके अपना डाउट सॉल्व करा सकते हो। थैंक यू, बाय।